नमस्कार मित्रों, हरिओम। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल पर, जहां मैं आप लोगों को योग के फील्ड की तमाम इन्फॉर्मेशन से अपडेट करता रहता हूं। आज भी मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी लेकर आया हूं, जिसका जानना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। आज मैं किसी आसन या प्राणायाम या किसी विशेष डिजीज के बारे में बताने नहीं जा रहा हूं, बल्कि आज मैं उन गलतियों के बारे में बताऊंगा आप लोगों को, जो बहुत से लोग योग प्रैक्टिस करते समय करते हैं और उनको योग से फायदे की जगह नुकसान हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, अक्सर योग के बारे में लोगों की यह धारणा है, बहुत से लोगों से आपने सुना भी होगा कहते हुए कि योग से सभी रोग ठीक हो जाते हैं, योग से हम फिट रहते हैं, हेल्दी रहते हैं। बात सही है, लेकिन ऐसा तभी होता है जब आप योग का अभ्यास सही ढंग से करते हैं, आपका मेथड और टेक्निक सही होता है। अगर आप योग करते समय गलतियों को करेंगे तो आपको योग करने का फायदा नहीं मिलेगा, बल्कि उल्टे आपको नुकसान हो सकता है। तो आज मैं उन्हीं गलतियों को बताने जा रहा हूं जो अक्सर लोग कर देते हैं जाने अनजाने। इसलिए आप चाहे योग के अभ्यासी हों, जनरल प्रैक्टिशनर हों, या फिर योग के स्टूडेंट हों, या फिर योग के इंस्ट्रक्टर हों, तो आपके लिए यह वीडियो इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि रोग के अनुसार ही योगाभ्यास करें। इसका मतलब ये कि अगर आपको कोई रोग है, कोई डिजीज है, कोई बीमारी है, तो आप अपने योग ट्रेनर से बताइए और उसके अनुसार योग का अभ्यास करिए। नहीं तो क्या होता है, हम चले जाते हैं किसी ग्रुप में या किसी कैंप में और सीधे हम योगाभ्यास करने लगते हैं। इसलिए योग का अभ्यास रोग अनुसार होना चाहिए। अगर आप फिट हैं, अगर आप हेल्दी हैं, आपका हेल्थ ठीक है, तो आप योगाभ्यास कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी अभ्यास कर सकते हैं, कोई भी आसन, कोई भी प्राणायाम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई बीमारी है तो उस अनुसार ही योगाभ्यास करें, नहीं तो आपको फायदे की जगह नुकसान हो सकता है। जैसे मान लीजिए किसी को हाई ब्लड प्रेशर हो या पेट में अल्सर हो, तो उनको पीछे झुकने वाले या पेट पे दबाव या खिंचाव देने वाले आसनों को मना किया जाता है। हाई ब्लड प्रेशर में या हृदय रोग में शीर्षासन करने से मना किया जाता है। तो अब शीर्षासन फायदा करता है, शीर्षासन को आसनों का राजा भी कहा जाता है, लेकिन जाने अनजाने इसलिए सभी लोग करने लगते हैं, उनको नुकसान हो जाता है। इसलिए नंबर एक कि आसनों का अभ्यास रोग के अनुसार ही करें। अब बात करते हैं क्षमता की। एक कहावत है कि देखा देखी कीजिए योग, छीजे काया बाढ़े रोग। अर्थ इसका बता दूं अगर आपने नहीं समझा, कि देखा देखी कीजा योग, यानी अगर हम देखा देखी योग का अभ्यास कर रहे हैं तो छीजे काया बाढ़े रोग, तो हमारे शरीर को नुकसान होगा और रोग में वृद्धि हो जाएगी। मान लीजिए आप योग का अभ्यास कर रहे हैं, आसन का अभ्यास कर रहे हैं, आपको आगे झुकना है, आप कम झुक पा रहे हैं, लेकिन आपके बगल में देख रहे हैं कि कोई व्यक्ति बहुत आगे झुक जा रहा है, आराम से कर ले रहा है उस आसन को, तो आप भी जोर लगाने लगते हैं, उससे आपको नुकसान हो सकता है। पता चलेगा आपकी मांसपेशियां फट सकती हैं, आप खिंचाव आ सकता है और आपको अभ्यास छोड़ना पड़ेगा। इसीलिए जितनी आपकी क्षमता हो उतना ही योग अभ्यास करें। किसी का स्टैमिना ज्यादा होता है, किसी का स्टैमिना कम होता है, किसी के शरीर में नेचुरल फ्लेक्सिबिलिटी होती, लचीलापन होता है, किसी को अभ्यास करना पड़ता है तब लचीलापन आता है। इसलिए जितनी आपकी क्षमता हो उतना ही अभ्यास करें और धीरे धीरे अभ्यास करें। नंबर तीन बात, आसनों का या प्राणायाम का या अन्य जो योगाभ्यास है क्रम से ही करें। सबसे पहले आपको करना चाहिए सूक्ष्म आयाम, वार्म अप एक्सरसाइज, क्योंकि बिना अगर वार्म अप के आसनों का अभ्यास करेंगे तो आप आसन ठीक से कर नहीं पाएंगे, उल्टे आपको नुकसान हो सकता है, कहीं मांसपेशियों में खिंचाव हो सकता है, स्ट्रेन या मोच आ सकती है। इसीलिए पहले सूक्ष्म व्यायाम करें, उसके बाद आसनों का अभ्यास करें, फिर प्राणायाम का अभ्यास करें और आखिर में ध्यान का अभ्यास करें। क्रम इधर उधर ना करें, जिससे आपको पूरा फायदा मिल सके और आपका अभ्यास सही ढंग से हो सके। तो अभी आपने क्रम से किया, फिर क्षमता के अनुसार किया, फिर रोग के अनुसार किया। अब जो सही विधि और सही टेक्निक है उस पर मैं फोकस कर रहा हूं। हर एक आसन करने की, हर एक प्राणायाम करने की एक विधि होती है। बहुत से लोग होते हैं सोचते हैं कि कम समय में हम अधिक से अधिक आसन कर लें, अधिक से अधिक प्राणायाम कर लें। ऐसा बिल्कुल भी ना करें, उससे आपको कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। इसीलिए मैं ये कहता हूं कि आप कम समय दें लेकिन विधि पूर्वक करें। बहुत धीरे धीरे आसन करने के बारे में कहा जाता है। पता चले अभी हम एक प्राणायाम खत्म नहीं हुआ, दूसरा शुरू कर दिए, एक आसन में अभी हम गए नहीं, फिर जल्दी से हम दूसरा तीसरा करने लगे। इसलिए ऐसा बिल्कुल ना करें। जो भी आसन है सही विधि से धीरे धीरे करें, जो भी उसकी प्रक्रिया है वह फॉलो करें। सांस लेने का क्रम होता है, कब हमें सांस अंदर लेना है, कब हमें सांस बाहर लेना है, इस चीज को ध्यान दें ताकि आपको पूरा लाभ मिल सके। जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें,
और धीरे धीरे ही अभ्यास बढ़ाएं, एक ही दिन में सब कुछ सीख लेने का प्रयास ना करें, तभी आपको लाभ मिलेगा। नहीं तो आप पता चले कहेंगे कि हम मैं 3 साल से कर रहा हूं, मैं 4 महीने से कर रहा हूं योग का अभ्यास, मैं 2 साल से कर रहा हूं और बहुत अधिक लाभ नहीं दिख रहा है। उन्हीं लोगों को लाभ नहीं दिखता जो लोग सही विधि से नहीं करते। तो विधि हो गया। और जो जरूरी है कि आप जो योग की शिक्षा ले रहे हैं, जो आपके योग के इंस्ट्रक्टर हों, वह ट्रेंड होने चाहिए। आजकल आप देखते हैं कि बहुत से लोग 10 दिन का या 15 दिन का कहीं से कैंप अटेंड करके आ जाते हैं और खुद को कहते हैं मैं योग गुरु हूं, मैं योग टीचर हूं, मैं योग शिक्षक हूं। ऐसे शिक्षकों से बच के रहें। जो भी योग के स्पेशलिस्ट हों, विशेषज्ञ हों, कोशिश करें कि उन्हीं से आप योग सीखें। नहीं तो नीम हकीम खतरे जान वाली बात हो जाएगी। थोड़ा बहुत कोई ट्रेनिंग लेके आया है और आपको सिखाने लगा तो आपको फायदे की जगह नुकसान हो सकता है। अब हम बात करते हैं स्थान, समय, वस्त्र, भोजन, कपड़े कैसे, सब मैं बात कर रहा हूं। सबसे पहले बात करते हैं स्थान की। जो भी आपका प्लेस हो जहां आपको योगाभ्यास करना हो, वह नीट एंड क्लीन होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। तो आप भी जानते होंगे अगर आप छत पे कर रहे हैं तो ठीक है, कमरे में कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान दें कि कमरे में प्रॉपर वेंटिलेशन हो, शुद्ध हवा, प्राकृतिक हवा आने जाने का साधन हो, खिड़की दरवाजे खुले हुए हो, कमरे में सीलन ना हो, धूल गर्दा ना हो। अगर इस तरह की बातें होंगी तो आपको फायदे की जगह नुकसान होगा। जहां आप जो भी मैट आपका हो साफ सुथरा हो, या चादर दरी हो, पता चले कई बार हम ग्रुप में करते हैं दरी पे या चादर पे धूल रहता है, हम कई बार सर नीचे झुकाते हैं भुजंगासन में या अन्य किसी आसन में, संस्कारासन में, तो पता चले धूल भी हमारे अंदर चली जाए। बैक्टीरिया वहीं पनपते हैं जहां गंदगी होती है, वायरस वहीं होते हैं। तो ऐसी जगहों पर योगाभ्यास ना करें, साफ सुथरी जगह पर योगाभ्यास करें। आप अगर सर्दी में अभ्यास कर रहे हैं तो बहुत अधिक अगर शीत पड़ रहा है, कोहरा पड़ रहा है, तो बाहर अभ्यास ना करें, कमरे में करें। गर्मी में आप खुले में अभ्यास कर सकते हैं। समय, यानी कौन सा समय सबसे अच्छा है योगाभ्यास के लिए, बहुत से लोग पूछते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपका समय खाली कब है। वैसे योग के लिए तो सबसे अच्छा समय सुबह माना जाता है, सुबह आप उठें और सूर्योदय तक अभ्यास आप कर लें। लेकिन आज के समय में बहुत से लोग सुबह नहीं उठ पाते, उनको बहुत अधिक दिक्कत होती है। तो अगर आप सुबह नहीं उठ पाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप योगाभ्यास ना करें, आप शाम को भी योग का अभ्यास कर सकते हैं। एक बात का ध्यान दें कि भोजन करने के 4 घंटे बाद ही योग का अभ्यास आप करें। बात अगर कपड़ों की करें तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। कई बार मैं देखता हूं कि लोग योग करने आते हैं लेकिन जीन्स पहन के बेल्ट लगा के चले जाते हैं, उससे आप योग नहीं कर पाएंगे। योग करने के लिए गर्मियों में आप कॉटन के ढीले ढाले कपड़े पहन सकते हैं, या टी शर्ट पहन सकते हैं, लोअर पहन सकते हैं। सर्दी में आप ट्रैक सूट, कुर्ता पजामा पहन सकते हैं, जिससे आप आसानी से योग का अभ्यास कर सके। आप जो हाथ का फैलाना या स्ट्रेच देना हुआ, फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग, वो सब आसानी से हो सके। अगर आप टाइट कपड़े पहनेंगे, पॉलिस्टर के कपड़े पहनेंगे तो वो चीज नहीं हो पाएगा। इसलिए कपड़े आपके ढीले ढाले होने चाहिए, आरामदायक होने चाहिए। भोजन और स्नान की बात कि खाना कब खाएं, नहाएं कब, बहुत से लोगों के मन में यह भ्रम रहता है। तो इस बारे में मैं क्लियरली बता दूं आपको कि जब आप योगाभ्यास करें तो आपका पेट खाली होना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि सुबह का अभ्यास सही है। सुबह में अभ्यास करने से भी फायदा होता है कि आपको फ्रेश एयर मिल जाती है, ताजी हवा मिल जाती है, आपका मन भी शांत रहता है। इसलिए समय तो सुबह का सबसे अच्छा है। सुबह आपका खाली पेट भी है, मन भी शांत है और आपको ताजी हवा मिल रही है। लेकिन जब भोजन की बात आती है, मान लीजिए आप सुबह नहीं कर पा रहे हैं, आप शाम को या दोपहर में भोजन कर रहे हैं और शाम को अभ्यास करना चाह रहे हैं, तो आप ये मान लीजिए कि भोजन करने के बाद या भारी नाश्ता लेने के 4 घंटे बाद ही योग का अभ्यास करें। ऐसा ना हो कि आप भोजन किए हुए हैं और 1-2 घंटे बाद ही अभ्यास शुरू कर दें। अगर ऐसा करेंगे तो आपके पेट में भारीपन होगा, गैस बनने लगेगी और हो सकता है उल्टी, डकार, खट्टी डकार, मितली, एसिडिटी, ये सब हो जाए। इसलिए ऐसा बिल्कुल ना करें, नहीं तो आपको फायदे की जगह नुकसान। रोग की स्थिति में मैं पहले ही बता दिया हूं, महिलाओं के लिए विशेष निर्देश है कि मासिक धर्म के दौरान यानी पीरियड्स के दौरान सामान्य तौर पे कुछ एक आसन को या प्राणायाम को छोड़कर बाकी अभ्यास को मना किया जाता है। इसलिए वो जो पीरियड्स के 2-4-3 दिन होते हैं उसमें अभ्यास आप ना करें, आप रिलैक्सेशन वाले अधिक से अधिक अभ्यास करें, बाकी अभ्यास छोड़ दें, नहीं तो आपको दिक्कत थोड़ी बढ़ सकती है। जो प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी के दौरान भी
इस बात का ध्यान दें कि कठिन अभ्यास ना करें, बहुत हल्के फुल्के रिलैक्सेशन वाले अभ्यास आप कर सकते हैं। कुछ एक विशेष आसन होते हैं वो आप अपने योग ट्रेनर से पूछ सकते हैं, जिसको प्रेगनेंसी के दौरान भी किया जा सकता है, अदरवाइज योग का अभ्यास ना करें। इस बात का विशेष ध्यान दें कि रोग की स्थिति में, प्रेगनेंसी की स्थिति में आप अपने डॉक्टर से भी पूछ लें। आप अगर किसी योग इंस्ट्रक्टर के साथ अभ्यास कर रहे हैं, आपका कोई दवा चल रहा है, तो दवाई बंद ना करें। मैं यही सुझाव देता हूं, आप अपनी दवा चलाते रहें, साथ में योगाभ्यास करते रहें, जब तक कि आपका जो डॉक्टर ने कह दे कि हाँ आप दवाई बंद करनी है। नहीं तो कई बार हम योग पे, मान लो आप योग कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि मैं योग से करने से सब कुछ मेरा ठीक हो जाएगा, दवाई बंद कर देते हैं, ऐसा भी ठीक नहीं है। आप योगाभ्यास करते रहिए और दवा भी करते रहिए, जब तक कि आपका डॉक्टर न कहे बंद करने के लिए। आहार पे बहुत ध्यान देना जरूरी है। हम लोग सोचते हैं कि चलो अब तो योगाभ्यास कर रहे हैं, आप सब कुछ खा सकते हैं, एक गलत अवधारणा है। योग में आहार का यानी हमारी डाइट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आपको योग का अभ्यास करना है तो आपका भोजन सात्विक होना चाहिए, मतलब साग सब्जी, उसमें हरी सब्जी, फ्रूट्स, दूध, ये जरूरी है योगाभ्यासियों के लिए। तो इसलिए अगर आप रेगुलर प्रैक्टिशनर है तो इन बातों का ध्यान दें कि आपका भोजन बहुत भारी ना हो, इजिली डाइजेस्टेबल हो, तब आप योग का पूरा फायदा ले सकते हैं। तब आप कह सकते हैं कि हमारा शरीर और मन हल्का हो गया। तो मिला जुलाकर दोस्तों इन सारी बातों का आप ध्यान दीजिए कि रोग अगर आपको हुआ है तो रोग के अनुसार ही योग का अभ्यास करें। देखा देखी योग आपको नहीं करना है, नहीं तो आपको दिक्कत बढ़ जाएगी, आपकी बीमारी बढ़ जाएगी। बहुत से लोग ऐसे आते हैं, पता चले हाई ब्लड प्रेशर होता है, बिना बताए या बिना किसी से पूछे करने लगते हैं योग, ब्लड प्रेशर उनका और बढ़ जाता है। अल्सर है, पेट में एसिडिटी है, वो और बढ़ जाता है। सोचते हैं कि हम तो योग कर रहे हैं, अब सब कुछ खा सकते हैं, खाना शुरू कर देते हैं और नुकसान हो जाता है। इसीलिए जब भी आप योग का अभ्यास करें, इन बातों का ध्यान दें, किसी योग विशेषज्ञ के साथ ही, उनकी देखरेख में ही योग का अभ्यास करें। सीखने के क्रम में, सीखने के बाद आप अकेले भी अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन जब तक आप सीखें तब तक स्पेशलिस्ट से आप सीखें। योग का अभ्यास क्रम से करना है, सुबह करें तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो आप शाम को भी कर सकते हैं। कपड़े आपके ढीले होने चाहिए, भोजन के 4 घंटे बाद अभ्यास करें। स्नान के बारे में मैंने आपको अभी नहीं बताया, तो उसके बारे में बता दूं कि जब भी आप योगाभ्यास करें, अगर आप सुबह कर रहे हैं तो बेहतर हो कि स्नान करने के बाद ही योगाभ्यास करें, तो आपको अच्छा लगेगा, आप हल्का महसूस करेंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि गर्मियों में हम योग का अभ्यास करते हैं तो पसीना बहुत ज्यादा हो जाता है, फिर हमारा नहाने का मन करता है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप योगाभ्यास के बाद नहाना चाह रहे हैं तो योग करने के आधे घंटे बाद कम से कम ही स्नान करें, जब आपका बॉडी नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए। यानी ऐसा ना हो कि आप योगाभ्यास किए हुए हैं, बॉडी थोड़ी वार्म है, ऊर्जा बना हुआ, आप जाके तुरंत चले गए नहाने। योगाभ्यास के दौरान बीच बीच में रिलैक्सेशन करते रहें। कई बार होता है कि हम थक जाते हैं, योगाभ्यास थकना नहीं चाहिए। आप आसन के दौरान या योगाभ्यास के दौरान आपका ट्रेनर आपको चाहे कहे या ना कहे, आप अपने शरीर के बारे में बेहतर जानते हैं, जब भी आपको थकावट महसूस हो आप तुरंत रिलैक्स हो जाएं, ऐसी टेक्निक आपको बताएंगे, आप अपने शरीर को आराम दे दें। दूसरी बात, योग को व्यायाम ना समझें। आजकल यही हो रहा है कि योग को लोग व्यायाम समझ रहे हैं, एक्सरसाइज समझ रहे हैं और फिर खूब तेज वॉल्यूम कर दे रहे हैं और उसमें योगाभ्यास करें। नहीं, योग आपके शरीर को तो हेल्दी रखता है, लेकिन उससे भी ज्यादा उसका फोकस होता है आपके मन पे, आपके मस्तिष्क पे। तो इसीलिए योग करते समय मन को बिल्कुल शांत रखें, जल्दबाजी ना करें, और जब भी आप योगाभ्यास करें तो आप अपने शरीर के बारे में सोचें। जहां आपको तनाव, दबाव, खिंचाव हो रहा है वहां पे आपका ध्यान जाना चाहिए, इससे आपको अधिक से अधिक फायदा मिलेगा। पता चले है कि हम आसन का अभ्यास कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, या आसन का अभ्यास कर रहे हैं, हमारा म्यूजिक पे ध्यान है, तो उससे आपको पूरा लाभ नहीं मिलने वाला है, आप चाहे जितने दिन तक करते रहें। तो मिला जुला के यही सब बातें थी जो मैं आपको बताना चाहता था। आप इस बातों का, सारे बातों का ध्यान रखें, और अगर आप किसी को योग सिखा रहे हैं तो उनको भी इन बातों को बताएं कि हाँ योग के अभ्यास के दौरान इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो योग हमें फायदे की जगह नुकसान भी कर सकता है। तो मित्रों, आज आप लोगों को यही जानकारी देनी थी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट करके अगर आप बता सकते हैं कि आपको कैसा लगा वीडियो, आप और क्या जानना चाहते हैं, आपके मन में और क्या प्रश्न है, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट के द्वारा। मैं कोशिश करूंगा कि आपके प्रश्नों का जवाब दूं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हो तो, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे सारे लेटेस्ट वीडियोज हैं आपको मिलती रहें और योग के फील्ड की तमाम जानकारियां आपको मिलती रहें, चाहे योग की हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे योग और एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड हो। फ्रेंड्स, दिस इज गुड लक। हरिओम।